नमस्कार दोस्तों, मैं हूं घनश्याम और आप देख रहे हैं घनश्याम टेक। दोस्तों, बैंक निफ्टी की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। इसमें हम बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी से जुड़े हुए स्टॉक के बारे में चर्चा करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं कि क्या लेवल इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी के लिए और जो स्टॉक बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं उनके लिए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों देखिए, बैंक निफ्टी जैसा कि हमने यहाँ पे बोला था कि 233 के ऊपर निकलेगा तो 150 की एक मूवमेंट यहाँ, सॉरी 235 के ऊपर निकलेगा, 233 के ऊपर निकलेगा तो यहाँ पे 350 तक की एक मूवमेंट और उसके बाद फिर 500 के पास तक बैंक निफ्टी जा सकता है। तो यहाँ पे इसने जो हाई लगाया है वो 350 का यहाँ पे बैंक निफ्टी में हाई लगाया था। देखिएगा, बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है उस हैमर कैंडल के नीचे ही दी है। कल की क्लोजिंग हमारी 105 की थी, आज की क्लोजिंग हमारी यहाँ पे 22076 की क्लोजिंग है। तो कल की क्लोजिंग से लगभग लगभग हम 30 पॉइंट नीचे आके क्लोज हुए हैं। अगर इस हैमर कैंडल के ऊपर हमें क्लोजिंग मिल जाती तो मजा आ जाता, फिर हमारा जो टारगेट 660 का था पहला, वो टारगेट यहाँ पे कंफर्म होता है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, जिसने भी लिया होगा वो स्टॉपलॉस जरूर इस हैमर कैंडल के लो का ही आपको लगा के रखना पड़ेगा। कल हमारी मंथली एक्सपायरी है तो वॉलेटिलिटी कल ज्यादा रह सकती है, तो थोड़ा सा संभल करके ट्रेड कीजिएगा, क्योंकि वॉलेटाइल यहाँ पे रहेगा मार्केट। हो सकता है नीचे की जो रेंज हो वो हो 21800 के आसपास तक भी आ सकता है। अगर पहले 21800 के पास अगर देखिए 21800 21700 के आसपास अगर सस्टेन कर जाए, तो अगर आता है और वहां पे कोई बुलिश कैंडल बनती है तो आप बाइंग कीजिए उसी बुलिश कैंडल का स्टॉप लॉस लगा के, क्योंकि फिर यहाँ से इसी ट्रेंड लाइन के पास से वापस ये बाउंस बैक ले सकता है। तो नजर बना के रखिएगा, किसी भी कंडीशन में अगर 700-650 के आसपास अगर मिल जाए, 300-400 पॉइंट के करेक्शन के बाद कोई बुलिश कैंडल बनी हुई मिल जाए 5 मिनट या 15 मिनट के चार्ट पे, तो उस पर नजर बना के आप रख सकते हैं। कल मंथली एक्सपायरी है तो यहाँ पे देख लीजिए आप, 15 मिनट के चार्ट पे अगर हम लगाते हैं तो कल के लिए हमारे लिए क्या होगा बेस्ट मूवमेंट, कल के लिए बेस्ट मूव हमारे लिए ये होगा बैंक निफ्टी पे कि अगर बैंक निफ्टी देखिए 76 के ऊपर हमने क्लोजिंग दी है, तो अगर यहाँ फिर से 21,990 के नीचे अगर ट्रेड करता है तो 21,900 और फिर 21,800 के पास तक हम बैंक निफ्टी में आ सकते हैं। ऊपर की साइड में अगर एक अच्छी खासी मूवमेंट हमें तब मिलेगी जब हम 180 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे, यानी बैंक निफ्टी में 22,180 के ऊपर स्टार्ट करेंगे तो फिर हम 22,340 के आसपास और उसके बाद फिर 22,500 के आसपास तक जा सकते हैं। तो दोनों साइड में आप नजर बना के रख सकते हैं। अगर पहले किसी साइड में 250-300 पॉइंट की वन वे मूवमेंट हो जाती है तो वेट कीजिए, फिर वहां पे शॉर्ट या बाइंग करने की कोशिश मत कीजिएगा, रिवर्सल ट्रेड वहां पे जरूर ढूंढिएगा, क्योंकि एक्सपायरी के दिन मार्केट दोनों साइड की जनरली मूवमेंट जरूर देता है। हाँ, कोई दिन ऐसा भी रहता है जो बिल्कुल हम एक रेंज में फंस जाते हैं और उसी रेंज में चलते रहते हैं, लेकिन अगर 250-300 पॉइंट का करेक्शन होने के बाद आपको 100-150 पॉइंट का एक अपमूव एक बाउंस बैक तो जरूर मिलेगा। अगर हम पहले नीचे गिर गए तो ऊपर के लिए, अगर पहले ही हम ऊपर चल गए तो फिर नीचे के लिए यहाँ पे। अब चलिए देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो बैंक निफ्टी को ऊपर या नीचे ले जाने में मदद कर सकते हैं। पहला स्टॉक है हमारा एक्सिस बैंक, जैसा कि कल भी मैंने बताया था हैमर की 40 के ऊपर, 40 का शायद बना था, 40 के ऊपर निकलेगा तो हमारा टारगेट इससे 45 और 50 का रहेगा। तो आज का जो हाई लगा है वो 47 का, तो 45 वाला टारगेट यहाँ पे अचीव हो गया हमारा एक्सिस बैंक में। बंधन बैंक में हम न्यूट्रल थे क्योंकि इसी कैंडल के अंदर में ही अभी भी क्लोजिंग चल रही है। जब इस कैंडल के ऊपर या नीचे क्लोज करना स्टार्ट करेगा उसके बाद हम इसमें डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है। बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पर भी मैं न्यूट्रल ही था। फेडरल बैंक ऑलरेडी मैं 58 के ऊपर क्लोज करेगा तब हम इसको देखेंगे पोजिशनली बाइंग के लिए, फिलहाल अभी यहाँ पे मुझे कुछ नहीं दिख रहा। लेकिन अगर किसी ने सेल ही करना है कल तो 55 के नीचे जाएगा तो 55-50 का स्टॉप लॉस लगाइए और 54 के टारगेट यहाँ पे आ सकते हैं फेडरल बैंक में। HDFC बैंक यहाँ पर भी बाइंग करने के लिए बोला था, हैमर के ऊपर जाएगा तब, लेकिन ये देखिए हैमर के ऊपर गया ही नहीं और नीचे की साइड में आ रहा, तो मुझे लगता है कल यहाँ पर भी अगर कहीं 1030-1035 के आसपास में कोई 15 मिनट पे बुलिश कैंडल बने तो जरूर बाइंग कर लीजिएगा अगर ये HDFC गिरता है तब। कल यहाँ पे मैं अभी न्यूट्रल रहूंगा। ICICI बैंक यहाँ पर भी देखिए इस कैंडल के अंदर में ही है तो हम इस कैंडल से बाहर नहीं निकले, तो यहाँ पे अभी भी मैं न्यूट्रल रहूंगा। ध्यान रखिएगा 340 के पास एक सपोर्ट है, इस लेवल के पास में अगर कल आता है कोई, ध्यान रखिए कल हम मंथली एक्सपायरी में है तो दोनों साइड की मूवमेंट हो सकती है, तो मान लीजिए यहाँ पे आके कोई बुलिश कैंडल बनाती है तो जरूर बाइंग कर लीजिए उसी बुलिश कैंडल का स्टॉप लॉस लगा के। IDFC फर्स्ट देखिए 29 के पास तक आज गया था, इसके ऊपर क्लोज नहीं कर पाया, इसके ऊपर क्लोज करेगा तब इसका टारगेट 32 का निकल के आएगा। इंडसइंड बैंक यहाँ पे मैंने क्लियर कट बोला था कि 533 के ऊपर अगर स्टॉक ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो हमारा टारगेट इस पे जो होगा 540 और 550 का होगा, और ये 563 का हाई लगा के आज आया है इंडसइंड बैंक। कोटक बैंक यहाँ पर भी बिल्कुल क्लियर हूँ, 1402 के ऊपर क्लोज करेगा तब हम इसको बाइंग करके जाएंगे।
1460 और 1500 के टारगेट के लिए। अगला स्टॉक से हमारा आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक भी इस फ्लैग पैटर्न के ऊपर क्लोज करेगा। देखिए इंट्राडे ट्रेड करेगा तो बाइंग नहीं करना है, क्लोज करेगा 186 के ऊपर, तब हमारी पोजीशन बनेगी इस पे 200 और 210 के टारगेट के लिए। दोस्तों अगर आप भी हमारे सपोर्ट ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस लिंक के जरिए जाके आपको जीरोधा में अकाउंट ओपन करना है और अकाउंट ओपन होने के बाद में आप हमारे सपोर्ट ग्रुप से जुड़ सकते हैं। स्टॉक हमारा है एसबीआई। यहाँ पर भी ट्रेंड लाइन हैमर बनी थी तो हैमर के ऊपर मैंने बाइंग करने के लिए बोला था, लेकिन हाँ इसमें उतना कंफर्म नहीं था जो मैं एक्सिस बैंक और इंडसइंड बैंक में था, लेकिन हाँ फिर भी यहाँ पे हैमर के ऊपर एक अच्छी खासी मूवमेंट हुई है। ध्यान रखिएगा ये अगर क्लोज कहीं 85 के नीचे कर देगा तो फिर 80 तक ये आ सकता है एसबीआई। तो नजर बना के रखिएगा बैंक निफ्टी पे। कल हमारी मंथली एक्सपायरी है तो बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करते हैं तो पिछले 4-5 दिनों का प्रॉफिट बैंक निफ्टी आपको एक ही दिन में लेके जाएगा। तो प्लीज स्टॉप लॉस लगा के ही ट्रेड कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।